आपको एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम गए थे बंजारा मार्केट और वहाँ का हमने आपको नहीं दिखाया क्योंकि बहुत भीड़ थी और बहुत धूप भी थी, लेकिन मैं आपको शॉपिंग हॉल आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमने वहाँ से क्या क्या खरीदारी किया है। लेट्स सी, आप देख सकते हैं हमने ये सब खरीदा। अब इसको मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि हम किस चीज को किस प्राइस में हम लेके आए हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको छोटी शॉपिंग है मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, ये एक ज्वेलरी बॉक्स है, इसको हमने फिफ्टी रुपीज बीच में हमने परचेज किया था। इसको हमने महंगा ले लिया क्योंकि वहाँ पे ये 2020 में भी पहले मैंने देखा है कई लोगों ने इसे खरीदा है। ये 50 रुपीज में ये था और स्टार्ट। उसके बाद ये एक और लिया, ये आगे चल गई, ये हमें मिला 30 रुपीज में। देखिए, ये 30 रुपीज में मिला है और ये 50 रुपीज में मिला है। और उसके साथ हमने लिए, ये देखिए, 50 रुपीज ईच लिए हैं बंटी एंड पिंकी। पिंकी से मेरा नाम, बंटी से हस्बैंड का। ये 150 का है, ये भी हमने 50 रुपीज ईच। ये मैंने बस चलते चलते ऐसे ही ले लिया था। एक ये बाउल लिया है, इसको भी 50 रुपीज में लिया है। और ये ट्रे है, ये इतनी हैवी है कि उठाई नहीं जा रही। ये हर जगह 500 की थी, लेकिन मैंने मतलब चलते टाइम मैंने इसको परचेज किया है 150 रुपीज में। ये देखिए, बहुत हैवी है ये और बहुत क्यूट भी है, बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए, बहुत हैवी है। ये मैंने पूजा के लिए, इसके लिए मैंने सबसे ज्यादा जो है, मैंने पूरी मार्केट को 2 बार मैं इसके लिए घूमी हूँ। काफी बड़ी उसमें थी, जो इतनी बड़ी उसमें लालटेन थी, उसको कोई 1100 का बोल रहा था, कोई 800 का, लेकिन वो मुझे इतनी बड़ी चाहिए नहीं थी। बस मुझे ये मिली एक जगह, इसको मैंने 300 में परचेज किया है। और इसके साथ जो ये छोटी लालटेन है, ये वाली, ये 100 रुपीज है। ये देखिए, मैंने लिए चटनी बाउल, ये चटनी बाउल मुझे मिले 10 रुपीज ईच। इसमें हम चटनी डाल सकते हैं, सॉस डाल सकते हैं, अचार डाल सकते हैं। ये इतने क्यूट से हैं, प्यारे प्यारे। मैंने इसके 4 का सेट लिया है, ये पड़े मुझे 10 रुपीज ईच। और इसके साथ ही इससे नेक्स्ट मिलते जुलते हमने लिया किटली सेट, ये उन्होंने बोला था 1200 रुपए का, लेकिन ये हमें मिला है 500 का। इसके साथ 6 कप है और एक ये चाय के लिए किटली है, बहुत ही अच्छी है, फिनिशिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। ये हमें मिली है 500 रुपए में। और उसके साथ क्रोकरी का फिर मैंने लिए बाउल, ये देखिए, ये 2 बाउल का सेट अलग से है, ये पड़ा है मुझे 50 रुपीज ईच। ये देखिए, बाउल है, एक ये लकड़ी का बाउल है, ये देखिए कितना प्यारा है, इसकी फिनिशिंग देखो अंदर से, ये लकड़ी का बाउल है। ये देखो, ये मुझे आप सोच भी नहीं सकते कितने में पड़ा है, ओनली 20 रुपीज। 20 रुपीज में मुझे ये पड़ा है। ये देखिए, मुझे सबसे अच्छा लगा और सबसे सस्ता भी। ये 2 का सेट ये है, ये भी मुझे तो बहुत सी जगह है, बहुत ही ज्यादा महंगे बोल रहे थे, मुश्किल से बहुत ज्यादा बार्गेनिंग सर में दर्द करने के बाद ये मुझे मिले हैं 50 रुपीज ईच। ये काफी बड़े बाउल है, देखिए मैंने ये बाउल लिए हैं, 2 आपको पहले दिखाए थे, 2 और 2 4। ये अलग अलग कलर में लिए हैं, कि ये इस कलर में देखिए, 5, एक ये चकोर में है, 6, और ये देखिए कितना प्यारा है, 7 बाउल नहीं, एक और है ये बाउल इसके साथ, ये नहीं से, ये मेरे साथ में 8 बाउल। इनको अच्छे से वॉश करके यूज कीजिएगा, बहुत ध्यान से लेने पड़ते हैं क्योंकि इनमें क्रैक भी मिल जाता है। ये देखिए कितने प्यारे हैं। और इसके बाद मैंने लिया है कि ये शोपीस है, इसको आप किसी भी जग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें पानी डाल सकते हैं, आप इसमें दूध डाल सकते हैं, आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं, और अगर आप इसको डेकोरेट पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं, आप इसमें फ्लावर भी डाल सकते हैं। सो आप किसी भी चीज में, आप इसमें दूध में डाल के फ्रिज में रख दीजिए, किसी भी पर्पज के लिए आप लीजिए। ये मुझे मिला है 100 रुपीज। और नेक्स्ट है ये हांडी सेट, ये मीडियम है, ये छोटा बाउल है, और ये है बड़ा साइज। ये 3 का हांडी सेट है, उन्होंने 800 रुपए कोट किया था, कोई 1000 बोल रहा था, कोई 900 बोल रहा था, कोई 800 बोल रहा था, मैंने इसको लिया है 400 में, 400 में 3 पीस। और अब
ये मैंने दो लिए हैं सेम, ये देखो अलग सा हो गया नहीं, दो लिए मैंने ध्यान नहीं दिया, 10 रुपीज 20 बोल रही थी पर मैंने 20 में महंगे लगे। ये मैं ये जो नमक इसमें नमक डाल सकते हो, कोई भी मसाला डाल सकते हो, ये है 100 रुपीज। ये ट्रे है एक हैवी ट्रे है, ये भी ये 50 रुपीज में मिली है मुझे, ये कोई भी मतलब 150 से नीचे नहीं दे रहा था, बस चलते टाइम मैंने एक जगह से लास्ट शॉपिंग की थी वहाँ पे मुझे 50 रुपीज में मिल गई। और इसको भी कोई 100 बोल रहा था कोई कितनी, पर मुझे ये मिला है 50 रुपीज में। और ये ट्रे है ये 150 में है, ये एक लकड़ी की ट्रे है। और इसके बाद मैंने किया था प्लेट की शॉपिंग, 3 प्लेट मैंने छोटी ली है, ये देखो इस साइज की, ये मुझे मिली 30 रुपीज। प्लेट तो बहुत महंगी बोल रही थी, 200 रुपये से नीचे कोई दे ही नहीं रहा था, बस एक जगह मुझे ठीक मिली है। ये छोटे वाली तो थी 30 थी या 50 30 थी, हाँ पकड़, ये थी 30 और ये थी 100, ये 100 रुपीज, ये दो थी 100 की और ये थी 150 की। ये जो बड़ी है ये थोड़ा और बड़ा साइज है, ये 150 की है, ये 4 प्लेट 150 की है, 200 की है और वो 3 30 की है। ये मेरी प्लेट होगी 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद मैंने ये अलग अलग डिजाइन है, मुझे सेट नहीं मिला पर सबका जो एक से एक यूनिक डिजाइन निकला है मुझे बहुत अच्छे लगे। ये देखो अलग अलग है, ये 20 रुपीज ईच मिल गए मुझे, नहीं तो कोई भी इनको दे नहीं रहा था। ये देखो अलग अलग डिजाइन है, बहुत प्यारा, ये 50 रुपीज का है, ये जो जगह ये 50 रुपीज का है बड़ा और ये 20 रुपीज का है। ये देखो मैंने मैट लिए हैं, ये देखिए टेबल के ऊपर लगाने के लिए, ये 50 रुपीज ईच है, ये हम टेबल के ऊपर रख के इस पर कुछ भी डेकोरेट आइटम रख सकते हैं। 2 और 3 तीन पीस मैंने लिए हैं। और इसके बाद ये तो हो गया, इस पर अच्छा सा पेंट करने के बाद इनमें जो अच्छी फिनिशिंग आएगी, अलग कलर है, छोटी सी अलमीरा है, कोई शोपीस आप कह लीजिए, इसमें हम अपनी ज्वेलरी कोट कर सकते हैं, या फिर मैं इसको लेके आई हूँ लड्डू के पर्पज से, मेरे लड्डू गोपाल की ज्वेलरी इसके अंदर रखने के लिए, उसकी जो छोटे छोटे कड़े होते हैं, छोटी छोटी मालाएं होती हैं, वो गुम हो जाती हैं कहीं कहीं बॉक्स में रखने के लिए, ये सब उसके अंदर एक में ही आ जाएगा। ये पूरा ही देखो, ये भी मुझे, ये मुझे पड़ा 500 का, ये देख सकते हैं आप, ये देखो ये कोरोना वायरस, ये लिया साक्षी ने, इसको इसने एक ही चीज खरीदी है बस वहां से। और ये भी पता है उसके पास पैसे छूटे नहीं थे, जहां से मैंने ये मैट लिए थे उसके पास छूटे पैसे नहीं थे, उसने कहा 50 रुपए का आप कुछ भी ले लो, तो वैसे ये इसका रेट कितना है, 500 इस पे रेट लिखा हुआ है, ये देखो आप देख सकते हो इसमें 500 रेट लिखा हुआ है, 600 इसका रेट है, इसको कोरोना वायरस का। और इसको साक्षी ने परचेज किया है, साक्षी कितने में ले गया इसको, 50, ये लूट लाए इसे 50 रुपीज में। ये पता नहीं इसने कहा मैं इसके ऊपर रखूंगी, इसके ऊपर देखती हूँ मैं इसको कैसे रखेगी, अगर ये कहीं जगह नहीं मिली तो मैं इसको इसके सर पे रख दूंगी। इसको उसने बोला था 3500 रुपए के, ये घड़ी बोली थी क्योंकि पूरी लकड़ी में है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी, अजंता की घड़ी है ये उसने बोली थी 3500 रुपए में, और मैं इसको लेके आई हूँ कितने में लेके आई हूँ, 2000 में, मुझे महंगी लगी पर एक्चुअली इसके मैं नहीं लेके आई, इसको मेरे पति देव लेके आए हैं, बंटी जी ने इसको खरीदा, मैं तो इसको 2000 में कभी नहीं खरीदती, मैंने तो इसको गाड़ी में रखा देखा था तब ये खरीद चुके थे, 2000 में इन्होंने इसको कोट किया है। और ये देखो वो तो किया ही किया, पूरी पॉकेट मनी पूरी शॉपिंग जो है, ये घड़ी है 8500 रुपए की, आप सोच नहीं सकते, ये इतनी हैवी है कि मुझसे उठाई नहीं जा रही है, 8500 रुपए की उन्होंने कोट किया था। और ये है द संतोष लंदन 1747 की, और इसी घड़ी को मैंने, इस घड़ी को एक बार मैंने
जो है ना उसका सेंटेड घर में मैंने इस सेम चीज को मैंने इसको उसके फोटिक में देखा था। तो ये घड़ी जो है ये हमें पड़ी है, ये लंदन की है, 1747 में बनी है और ये बहुत कॉस्टली है। उन्होंने 8,500 इसका कोट किया था, लेकिन अभी मिली सस्ती इसलिए इसका स्टैंड नहीं था मेरे पास। हाँ, इसका स्टैंड नहीं था, ये 8,000 में तब थी। इसके नीचे आप पेज देख सकते हो ना, इसके ये ऐसे ऐसे किसी स्टैंड के ऊपर थी और इसका पेज निकला हुआ था, स्टैंड नहीं था, इसलिए हमने ये 2,500 रुपए में पड़ी है बगैर स्टैंड के। अगर स्टैंड साथ होता तो वो इसको 5,000 या 6,000 के अराउंड इसे हमें देते, तो हमने ये भी हमें 2,500 रुपए में पड़ी। बस ये मुझे ऐसे ये तो मैं एक ही ले गया हूँ, ऐसे मिल गया था 100 रुपए का। ये येलो कवर है और ये केटली सेट ये दिखा चुके हैं। और ये मैच के ऊपर हम टेबल के ऊपर इसको रनर के रूप में यूज कर सकते हैं, कारपेट के रूप में यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये मुझे मिला 500 रुपए का, बोला तो उन्होंने 800 का था पर मैं लाई हूँ इसको 500 का। और ये जो है विद कवर ये कुशन, ये वो मुझे बोले थे 500 का जोड़ा और मैं इसको लेके आई 200 का जोड़ा, 100 रुपए पर पीस की। लेकिन एक कारपेट ये लेके आए हैं, ये जिसे उठाया नहीं जा रहा है, ये शायद इसके वजह से हैवी है। लेकिन कैसे उठाए इसको, बहुत मुश्किल, ये इतना हैवी है। ये उन्होंने 2,500 का कोट किया था पर ये मैंने लिया इसको 1,200 रुपए में, ये 1,200 रुपए का लिया मैंने। ये बहुत ही देखो पीछे से बहुत हैवी है, बहुत फ्लफी है। हाँ ये मैंने लिया 1,200 में। और एक ये लिया है कारपेट, इसको तो मैंने रास्ते से छावला से खरीदा है, ये पूरा बना दिए 15,000 का, 1,500 का। ये देखो एक ये नोप है अलमारी में लगाने के लिए 50 रुपीज, 15,000 का। ये मैंने रास्ते से लिया, ये देखो पूरा कारपेट है, ये भी काफी मोटा है, ये 1,500 का लिया है मैंने। ये देखिए और ये थी मेरी पूरी बंजारा मार्केट की शॉपिंग। हम 11 बजे गए थे और शाम के 5 बजे आए हैं और ये पूरा सामान आप देख सकते हो पूरा घर में फैला हुआ है। अब इसको सेट करना है, मार्केट बंद होने वाली है, तो मैं इसीलिए गई थी कि आगे बंद हो, पता नहीं कोई तो बोला है सोना रोड पे शिफ्ट हो जाएगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। आप भी जाइए और बंजारा मार्केट में शॉपिंग कीजिए। अगर आपको मेरी बंजारा होल मार्केट की जो होल वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगले व्लॉग के लिए बाय बाय।